यार मैंने तो बाजा ले लिया, असनैन से पूछ कर आता, उसने लिया नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे हो? 14 का तारीख बाजा ले लिया तुमने? नहीं यार, इमाम साहब ने मना करा बाजा लेने। क्यों? बयाने को मना करा इमाम साहब ने। यूँ अरे कुछ नहीं होता, छोड़ो आ जाओ लेकर आए। अबे नहीं, अबे कुछ नहीं होगा, चलते रहो इमाम साहब के पास लेके चलता हूँ। ए भाई कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, तेरे को इमाम साहब के पास लेके चलता हूँ भाई, जब मना करा है। अंदर आ सकते हैं? आ जाए आ जाए। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। कहीं असलम भाई कैसे आना हुआ? बाजी के हवाले से आना हुआ है। आपने बयान फरमाया था ना बाजा नहीं बजाना। जी जी। तो ये मेरे पास आए थे, ये मेरे को बोल लेते हैं मैंने बाजा ले लिया, तुमने लिया नहीं लिया? अच्छा, तो ये बाजा आपको बोल देंगे बाजा ले लें? हाँ। मैंने कहा नहीं यार, इमाम साहब ने मना करा है। पर आपका नाम क्या है? हुनैन। हुनैन भाई, आप बाजा लेकर आए 14 अगस्त पे, खैरियत क्या करेंगे उसका? ऐसी छोकिए लाए थे। तो बाजा का कोई मकसद तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। 14 अगस्त पे आज़ादी के लिए बाजा लेकर आए, क्या आप आज़ाद हुए थे? ऐसी खुशी बनाने के लिए, ऐसी शौकिया बस। हुनैन भाई, ये बहुत ज़्यादा नामुनासिब, और एक पढ़ा लिखा जो लड़का होगा, आप तो माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, तो वो कभी भी बाजा लेकर नहीं आएगा, क्योंकि बाजा जो है एक अजियतनाक चीज़ है, यानी जब वो बजता है तो आस पड़ोस वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, अजियत में आते हैं, तकलीफ़ पहुँचती है उनको। और पाकिस्तान इसलिए तो आज़ाद नहीं होता कि 14 अगस्त पर बाजे बजाए जाए। क्या कहते हैं आप? बाजे बजाना वैसे ही अच्छी बात नहीं है। हुनैन भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आज़ा मुसलिमन फ़कत आज़ानी व मन आज़ानी फ़कत आज़ल्ला, यानी जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी तो उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने हुजूर पाक को तकलीफ़ दी गोया उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। तो बाजे बजाना मेरे ख्याल से तो मुनासिब चीज़ नहीं है। और आज़ादी है वो इस बात की आज़ादी है कि हम खुल कर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, खुल कर नमाज़ें पढ़ सकते हैं, खुल के अपने दीनी इबादत को कर सकते हैं, ये आज़ादी की चीज़ें थी। लेकिन मौसीकी बजाना, बाजे बजाना, ढोल बजाना, 14 अगस्त को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारना, ये तो मुनासिब बात नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान दिया, और पाकिस्तान आज़ाद होने की वजह ये थी कि मुसलमान खुल कर अल्लाह की इबादत कर सके। आप फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर आज़ादी ना होने के सबब इस तरह बेबाकी से बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, पूरा फ़लस्तीन लहूलुहान है, शहीदों की तादाद 40,000 से ऊपर हो चुकी है। तो आज़ादी मनानी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह और रसूल की इताअत वाले कामों में आज़ादी मनाएं। बाजा बजा कर किसी को तकलीफ़ देकर आज़ादी मनाएंगे तो ये नामुनासिब बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप अल्लाह को इज़्ज़त पहुँचाना चाहते हैं बाजे के ज़रिए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो हमें चाहिए कि आज़ादी बनाएँ, 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके, ना कि बाजे बजा कर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्या इंजा ना हो इस। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सॉरी सर। शुक्रिया हुसैन भाई, आप इनको यहाँ लेकर आए। कोई भी बाजे बजाए तो उन्हें मना कर दें कि बाजे ना बजे। वो मेरे मोहतरम बरादरान इकराम, जैसा कि आपके इल्म में 14 अगस्त आ रही है, और अब आपके अतराफ़ में बाजों की बहुत ज़्यादा गूंज सुनाई देगी जो कि नामुनासिब है, और बीमारों के लिए खुसूसन बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा अजियतनाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले कामों से हमें आज़ादी नहीं मनानी है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके अल्लाह का शुक्र अदा करके आज़ादी मनानी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।